मनुष्य को अपनी शक्तियों को पहचानना चाहिए। आपकी शक्ति जो भीतर है वही परम ऊर्जा परब्रह्म की ताकत है। वो सब आपके भीतर है परंतु आप उसे भूल जाते हैं, अपने स्वभाव को भूल जाते हैं। अपने आप को याद करिए। भगवान ने आपको ताकत दी, शक्ति दी, उसे याद कीजिए। उस परम ऊर्जा के साथ जुड़िए। जब परम ऊर्जा से जुड़ेंगे तब आप आत्मा की ताकत से बुद्धि को नचाएंगे, बुद्धि मन को नचाएगी और मन इंद्रियों को और शरीर को नचाएगा। परंतु हालत अभी उल्टी है। शरीर इंद्रियां मन को नचाती है, मन बुद्धि को नचाता है और बुद्धि आत्मा को नचा रही है। सब उल्टा कर लिया, अपना ही नाश कर लिया। परंतु जो सत्य की राह पर चलते हैं, जो खोजी हैं, पिपासु हैं, जो जानते हैं इतने जन्म भटक लिए, अब तो संभल जाओ। कब संभलोगे? कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, एक साल बाद, दो साल बाद, दस साल बाद, पूरा जन्म बीत जाएगा तो भी नहीं सुधरेंगे। ये जन्म सुधारिए, अभी इसी क्षण सुधर सकता है। इसलिए कहते हैं प्रेजेंट मोमेंट में जिए, जो क्षण मिला है उसमें जिए, कल पर मत टालिए। जिसने कल पे टाला इसका मतलब है वो करना ही नहीं चाहता। बहुत सिंपल लॉजिक है। और जिसे करना है वो आज करेगा। अपने ऊपर नियंत्रण पाना है तो अभी से संकल्पबद्ध होइए। अपने ऊपर भरोसा कीजिए, अपनी आत्मा पर भरोसा कीजिए, परमात्मा पर, गुरु सत्ता पर कीजिए। सागर की जो लहरें हैं उन पर भरोसा नहीं होता, भरोसा होता है सागर की गहराई पर, उसके तल पर। ऐसे ही भरोसा संसार की चीज़ों पर मत कीजिए, जो ऊपरी ऊपरी लहरें हैं उन पर नहीं, परंतु जो गहरा है आपका आत्म केंद्र, उस पर भरोसा कीजिए। जो स्वयं पर भरोसा नहीं करता वो क्या आध्यात्मिक व्यक्ति है? वो आध्यात्मिक है ही नहीं। आध्यात्मिकता का ढोंग रचता है स्वयं पर। पहले विश्वास करें, अपनी आत्मा में स्थित हों, तभी तो परमात्मा से जुड़ेंगे। जो स्वयं को नहीं ढूंढ पाया वो परमात्मा तक नहीं पहुंचता। अपने ऊपर भरोसा, स्वयं पर भरोसा। मनुष्य की इंद्रियां हैबिचुअल हैं, इतनी आदत डाल दी, इतनी शक्ति दे दी इन इंद्रियों को कि वही हमें नचा रही हैं। अब राक्षस बन गई, हमारा गला दबाती हैं, हमें कहती हैं करो ऐसा ही कृत्य, करो यही कर्म, करो ऐसा ही भोजन लो, ऐसे ही आलस्य में पड़े रहो, ऐसे ही लापरवाह बनो। सताती हैं, और इस जन्म की थोड़ी ना आदतें हैं, जन्मों जन्मों की आदतें हैं, ये हैबिचुअल हैं। मन को तो कहती है तुम आराम करो, तुम्हारी जरूरत क्या है, हमने सब बागडोर ले ली। मन बुद्धि का तो प्रयोग ही नहीं, प्रयोग किसका? इंद्रियों का। समय पर भूख लगेगी, 1 बजे अगर लंच लेते हैं दोपहर के वक्त, तो उसी समय भूख लगेगी। मैकेनिकल हैबिट। सिगरेट पीते हैं तो एक समय पर तलब लगेगी, चाय की तलब लगती है, चाय पीने का मन करता है। तो सब चीज़ें एक तलब, एक प्यास, एक आदत अपनी रूटीन में चलती हैं। मन को कब बुलाती हैं इंद्रियां? जब कहीं फंस गए, अरे सिगरेट नहीं मिली, जाओ मार्केट जाओ, ढूंढो, लोगों से पूछो, कहीं से भी लेकर आओ। मेरी डिमांड है, मेरे शरीर की डिमांड है, मेरी इंद्रियां मांगती हैं। इंद्रियां धक्का देंगी मन को, जाओ जाके सिगरेट लाओ, जाओ जाके शराब लाओ। और व्यक्ति जो शराब में, सिगरेट में फंसा हुआ है वो कभी मुक्त नहीं होता। वो मुक्त कैसे होगा? इतना पल दे दिया उसने इंद्रियों को, कैसे मुक्त होगा? मुक्त वो तभी होगा जब अपनी इन इंद्रियों को वश में करने के प्रयोग शुरू करता है। और लड़ाई एकदम से नहीं हो सकती इंद्रियों से, क्योंकि एकदम एक दिन में सोचेंगे बदल जाएंगे, कभी नहीं बदलेंगे। धीरे धीरे चीज़ होती है, जैसे जैसे बांधा वैसे वैसे खोलिए अपने को, धीरे धीरे। और सब कुछ अपने हाथ में भी मत ले लीजिए, कुछ परमात्मा पर भी छोड़ दीजिए। समर्पण का भाव, मुझसे नहीं हो पा रहा,
हे ईश्वर तेरे चरणों में समर्पित। अब तू उबार, तू ही उबारेगा तो हम उबरेंगे, नहीं तो हम में कहाँ ताकत। क्योंकि अनकॉन्शियस फोर्स इस जन्म का नहीं जन्मों जन्मों का होता है और इतनी ताकत होती है कि हम मजबूर हो जाते हैं, पशुओं की भांति व्यवहार करते हैं, करना पड़ता है, नहीं तो लगता है प्राण निकल जाएंगे। तो यह जीवन परमात्मा को समर्पित कीजिए। तो इंद्रियां कंट्रोल में आए मन के द्वारा, तो इसके लिए छोटा सा एक प्रयोग और किया जा सकता है, जो काम करें मन लगा कर करें। बोलते हैं, किसी से बातचीत करते हैं तो उसमें मग्न होइए। आप भोजन करते हैं तो पूरी श्रद्धा से 100% उसमें इन्वॉल्व होइए। आप ऑफिस में काम करते हैं, पूरी तल्लीनता से काम कीजिए। हर चीज में ध्यान लगाएं, एकाग्रचित हो, इससे लाभ मिलता है। जैसे ही इंद्रियों से ताकत मन पे आएगी तो मन पावरफुल होगा, कंट्रोल करेगा इंद्रियों को। बुद्धि मन से भी ज्यादा पावरफुल है, परंतु बुद्धि को हम बागडोर नहीं देते, यहां भी गड़बड़ होती है। जब मन भी उलझ जाता है तब जाकर बुद्धि की याद आती है। अब गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते चलाते अचानक कोई सामने आया तो तुरंत ब्रेक लगता है, तब बुद्धि डिसाइड करती है कि राइट जाएं या लेफ्ट जाएं, किस ओर स्टीयरिंग को मोड़ा जाए जिससे प्राण बचें, लेकिन मन उलझ जाता है उस समय। बिजनेस में फंस गए, लगा अरे अभी तक लापरवाही थी, तुरंत बुद्धि काम आती है, नहीं अभी रुको, इससे आगे लापरवाही की तो मारे जाएंगे, पूरा बिजनेस ढह जाएगा, खर्चों पर लगाम दो, कंट्रोल करो, तुरंत बुद्धि निर्णय देती है। तो इमरजेंसी में हम बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं, नॉर्मली नहीं कर रहे। तभी कहा जाता है कि मनुष्य अपने माइंड की सिर्फ 5% एनर्जी को यूज करता है, क्योंकि बुद्धि योग का पालन नहीं करता। जब निष्काम कर्म करता है, बुद्धि योग का पालन करता है, तो 100% एनर्जी यूज होती है। और जब सकाम कर्म करता है, किसी फल की इच्छा से, किसी इच्छा की वशीभूत होकर करता है, तो मन की छोटी सी पावर यूज होती है। तो मन कंट्रोल हो बुद्धि के द्वारा। कई लोग यहां तक भी पहुंच जाते हैं, फिर अहंकारी हो जाते हैं, उन्हें लगता है उनके दिमाग से ज्यादा बढ़िया दिमाग किसी का है ही नहीं, वो सुनते ही नहीं किसी की, मानते नहीं किसी की, कोई उन्हें राय दे तो सुनेंगे नहीं, मुड़ के नहीं देखेंगे, उनके लिए उनका दिमाग, उनकी बुद्धि सबसे आगे। दूसरे व्यक्ति की बुद्धि कुछ नहीं, परंतु बुद्धि भी उलझती है, और जब बुद्धि उलझ जाती है तब फिर परमात्मा की याद आती है। जब सब काम कर लिए बिजनेस में, सारा दिमाग लगा दिया, सारी शक्ति, फिर भी ऐसी जगह पे बात उलझी कि अब बस लगता है भगवान तुम ही पीछा छुड़ाओ, तब जाके मुसीबत से पीछा छूटेगा, तब व्यक्ति भगवान को याद करता है। जब सारी चीजें आपने उपलब्ध करा दी अपने बच्चे की जान बचाने के लिए, और डॉक्टर ने एंड में कह दिया अब दुआ चाहिए, हमने सारी ट्रीटमेंट दे दी, तब बुद्धि हारती है, तब परमात्मा की तरफ चलती है, ये मनुष्य का हाल है। तो यदि शुरुआत से सीधा कर लिया जाए तो कितनी सरल हो जाए जिंदगी। परमात्मा की इच्छा ही यदि हमारी इच्छा हो जाए, हमारी इच्छा नहीं परमात्मा की इच्छा, क्योंकि हमारी इच्छा तो शरीर मन और बुद्धि में उत्पन्न होगी, परमात्मा की इच्छा तो ऊपर ब्रह्मांड से आती है। वो जो आदेश दे उसे लीजिए, उस ऊर्जा को ग्रहण कीजिए। जब वो ऊर्जा आपके अंदर आए, बस उसी ऊर्जा के साथ आपकी बुद्धि चले, और वही बुद्धि, वही सात्विक बुद्धि मन को आज्ञा दे कि ऐसा करो, और मन आज्ञा दे इंद्रियों को, शरीर को, तुम इस प्रकार से बिहेव करो, तो अपने आप ही जिंदगी सुधर जाएगी। तो भगवान श्री कृष्ण का यह जो कर्म योग है, ये जो चैप्टर 3 है, ये सिखाता है कि मनुष्य निष्काम भाव से यदि कर्म करता है, बुद्धि योग का यानी निष्काम भाव का पालन करता है, तो व्यक्ति अपनी मुक्ति जरूर कर लेता है। और यदि बंधनों में फंसना है तो सकाम कर्म करते जाइए, संसार में फंसते जाइए, फिर तो दुख आएगा ही आएगा, ये निश्चित बात है।